हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मानसी। आज हम बनाएंगे एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक। एकदम टेस्टी, डिलीशियस, सॉफ्ट एंड चॉकलेटी, बहुत ही बढ़िया केक बनके तैयार होगा फ्रॉम स्क्रैच। आज हम ये रेसिपी देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे चॉकलेट स्पंज केक कैसे बना सकते हैं, उसके बाद हम ट्रफल की आइसिंग करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे मेल्ट किया हुआ बटर। यहाँ मैंने हाफ कप बटर लिया है। सॉल्टेड बटर हमें यूज़ करना है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी कर सकते हैं। इसमें हम एक कप पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे अभी हम इसमें 1/4 कप मिल्क भी ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने से ये तीनों ही चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, यानी कि जो शुगर है उसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे, मिल्क के साथ वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कर्ड। सभी चीज़ें आपको रूम टेम्परेचर पे लेनी है। इसमें आज हम एग, वनीला एसेंस, कंडेंस्ड मिल्क कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, तो भी केक बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसमें एक कप मैदा डाल देते हैं। बहुत ही लाइट हैंड से हमें इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना है, और एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हमें बैटर बना के तैयार करना है, यानी कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, बैटर एकदम सिल्की और स्मूथ हो गया है। ये बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इनको भी इसके साथ मिक्स कर देंगे, तो ये बैटर हमारा बनके एकदम तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, रिबन कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। केक मोल्ड लेंगे और इसमें इस बैटर को डाल देंगे। इतने बैटर में आप 1/2 kg केक आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको 35 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। तो मैं आज इसे विदाउट अवन बना रही हूँ। अगर आप अवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे 35 मिनट्स के लिए आप बेक होने के लिए छोड़ दीजिए। कढ़ाई में भी इसे 35-40 मिनट्स लगेंगे। तो ये देखिए, 35-40 मिनट्स हुए हैं अप्रॉक्स, और हमारा केक बन के तैयार हो गया है। टूथपिक से चेक कर लेंगे, टूथपिक एकदम क्लीन है, केक बेक हो चुका है। इसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही केक हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसको अनमोल्ड करेंगे। तो किसी भी प्लेट पे आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, आसानी से केक बाहर आ जाता है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया केक बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, एकदम कॉटन सॉफ्ट केक बना है। तो जो इसका हमने बटर पेपर लगाया था उसको निकाल देते हैं, और अब आप देखिए केक का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। अब हम इस केक को लेयर्स में डिवाइड करेंगे। 2 या 3 लेयर्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें ट्रफल की आइसिंग देंगे। तो ये देखिए, ये केक की पहली लेयर है। इसके ऊपर हम लगाएंगे ये चॉकलेट गनाश। ये आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि चॉकलेट गनाश, उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और इससे पहले भी मैंने ट्रफल केक की आइसिंग आपको बताई है कि आप उसमें शार्प एजेस कैसे ला सकते हैं, वो रेसिपी आप देख सकते हैं। हमें ट्रफल की एक फिलिंग इसमें देनी है। अब हम केक की दूसरी लेयर रखेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे।
थर्ड और लास्ट लेयर इसके ऊपर रख देंगे और अब हम इसको पूरी तरह से कवर करेंगे। केक को साइड से भी अच्छी तरह से कवर करना है। अब हम स्क्रेपर लेंगे और साइड्स को एकदम स्मूथ कर देंगे। एजेस को क्लीन करेंगे। अब हमने यहाँ पे गनाश लिया है जिसको आइसिंग बैग में डाल दिया है। कोई भी नोज़ल यूज़ नहीं किया है, विदाउट नोज़ल बना रही हूँ। बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो भी, और अगर आइसिंग बैग भी नहीं है तो घर में प्लास्टिक बैग्स होते हैं, आप किसी भी तरह का प्लास्टिक बैग यूज़ कर सकते हैं और आइसिंग कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक बैग्स भी नहीं है तो आप यहाँ पे पार्चमेंट पेपर यानी बटर पेपर ले सकते हैं और उससे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। सिंपल जिगजैग डिज़ाइन बनाना है और साइड में थोड़ा सा मैं ड्रिपिंग इफ़ेक्ट दे रही हूँ। इसको डेकोरेट करेंगे कुछ स्प्रिंकल्स के साथ, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और थोड़े से गोल्डन बॉल्स मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो हमारा टेस्टी डिलीशियस एकदम चॉकलेटी हमारा ट्रिफल बनके तैयार है। बहुत ही अच्छा केक बना है, एकदम सॉफ्ट है, मॉइस्ट है। आपने देखा इसे घर पे बनाना भी बहुत आसान है। विदाउट क्रीम आप इसे बना सकते हैं, यानी कि व्हिप्ड क्रीम आप इसे बना सकते हैं अमूल फ्रेश क्रीम के संग। रेसिपी आप ज़रूर चेक करें, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।